अब नीचे से ऊपर गया इधर से गया और फिर कार्बन होता हुआ इसमें गया हमारा एस वी के अंदर चला जाएगा, अंदर एस वी लगी हुई है इसके अंदर। तो कितना जबरदस्त प्रेशर है बूस्टर पंप का हमारा, कैम फ्लो कंपनी का बूस्टर पंप है, अच्छा अच्छा बूस्टर पंप है। तो पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन कार्बन सेडिमेंट की तो क्लीन हो गया, तो इसमें एक वीडियो तो बनाएंगे उसके टी डेस इसका इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, फिलहाल टी डेस कितना है इसका। ए बी सी स्ट्रीट में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी देख सकते हैं इस आर ओ के अंदर अभी हमने क्या किया, जितने भी कार्बन सेंड की जो डायरेक्शंस थी वो थोड़ी बिल्कुल एकदम जो प्रॉपर पाइपिंग जैसे मान लो जिसका ये इनपुट वाली है हमारी इधर से आ रहा है, ये प्री बिल्डर से होता है पानी हमारा जैसे आता हुआ है ये वाला जिस वक्त ये यहाँ पे पहले हमारा ये सेडिमेंट फिल्टर है हमारा, इसको देखिए सेडिमेंट ये सेडिमेंट फिल्टर लिखा हुआ है, सेडिमेंट फिल्टर की देखिए ऊपर से हमने ऊपर से अपर डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली तो इसे नीचे से लिया, इसकी जो आउटपुट है आउटपुट हमने यहाँ से इसकी इनपुट में कनेक्ट करी है, मतलब ये है कि ऊपर से जाना चाहिए हमारी इनपुट इस तरह से, जिस तरह जो कनेक्टिविटी है ना इनकी जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे को होना चाहिए, ऊपर से नीचे को जाना चाहिए पानी हमेशा। अब नीचे से ऊपर गया इधर से गया और फिर कार्बन होता हुआ इसमें गया हमारा एस वी के अंदर चला जाएगा, अंदर एस वी लगी हुई है इसके अंदर एस वी, वो तो इसके दूसरे खोल के दिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसमें ऑलरेडी पता ही पहले दिखा देता है इसमें है ना। तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन है बस केवल वो चेंज करी हमने, सारी वायरिंग चेंज कर दी इसकी सारी टोटल, और मेम्ब्रेन जैसे नीचे से इनपुट दे रखी थी पहले जो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दी, इसकी इनपुट है इसकी दोनों आउटपुट हमारे नीचे हैं इसमें, और जो एफ आर हमारा पहले जो लगा रखा था ना 550 का था तो इसमें एफ आर हमने लगा दिया कितने 450 का लगा दिया 450 का, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। देखिए इसमें हमारा पानी का काफ़ी जो प्योर वाटर का जो फ्लो है ना वो अच्छा काफ़ी बढ़ गया, पहले बहुत कम था इसका। अब इसका टी डी एस चेक कर लेते हैं हम, कितना टी डी एस है इसमें भी, ये 36 का है ना इसका, वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है ना 36 से, पहले 10-11 का आ रहा था ना बहुत कम आ रहा था ना ये, तो ये इसे इसका वो भी बढ़ गया। फिर इसमें बाद में इसमें टी डी एस का भी प्रोविजन कर देंगे, टी डी एस एडजस्टर का प्रोविजन कर देंगे। और जो पानी के सहारे देख रहे जरा कितने इसका यार आप जो वाइट वाइट सारा ना ये, तो इसके अंदर बड़ी सफाई हो रही है इसके अंदर से जो मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर ना, तो देखिए 518 का ये हमारा टी डी एस है ना वेस्ट, तो ये बिल्कुल सफाई हो जाएगी इसकी भी थोड़ी सी ना, ये पहले उल्टी लगा रखे थे बहुत गड़बड़ करता था मैंने सारा गंदगी बहुत जमी थी, तो इसका फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा अब जो हमारा, तो इसकी जो प्रॉपर डायरेक्शन है ना जो कनेक्टिविटी इसलिए से करना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन नीचे को जाना चाहिए इसका होगा ना पानी का प्रेशर, ऐसे ही जाने ऐसे ऐसे बस ऐसे आना चाहिए पानी घूम के हमेशा इस तरह से। अब मेम्ब्रेन की जैसे ये आउटपुट है हमारी, तो आउटपुट से हमारा काम पर ये वाला ये कार्बन ये पोस्ट कार्बन है ना लास्ट वाला कार्बन है, ऊपर से पानी गया फिर यहाँ से नीचे से ऊपर इस साइड से हमारा फाइनल आउटपुट हमारी इस तरह से कनेक्शन कर लीजिए। इसका बूस्टर पंप का भी प्रेशर चेक किया था हमने, इसका अच्छा प्रेशर हो जाते इसके एक बार बूस्टर पंप का भी प्रेशर चेक कर लेते हैं ना, एक बार हो जाए यहाँ छोड़ दो कोई बूस्टर पंप ही निकाल दो यहाँ से निकाल बूस्टर पंप का। हाँ हमेशा कभी भी कोई जैसे मान लो आर ओ चेक करते हैं पहले जब कोई नया आर ओ बनाएंगे कार्बन सेडिमेंट्स वगैरह इसके अंदर नया होता है सब कुछ, तो उसमें पहले क्या है ना उसकी कोई बात नहीं तो इसका सारा पानी टोटल फ्लश कर देंगे हम। ये देखिए इसका पुस्टर पंप का कितना तगड़ा प्रेशर है, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है इसे प्रेशर को प्रेशर चेक करने का क्या तरीका होता है, अंगूठे से होल्ड नहीं कर सकता बहुत तगड़ा प्रेशर है, कर करके देखिए करिए एक फारे के रूप में निकले ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है ना पुस्टर पंप का प्रेशर बहुत अच्छा है, इसकी इसकी धार से पता चला काफ़ी लंबी धार है इसमें ना यहाँ से वो पीछे करिए दिखाइए इसको। हाँ ये देखिए कितना कितना जबरदस्त प्रेशर है बूस्टर पंप का हमारा, कैम फ्लो कंपनी का बूस्टर पंप है, अच्छा अच्छा बूस्टर पंप है। तो पहले क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन सेडिमेंट की सफाई हो जाएगी और वाइट पानी है नए कार्बन सेडिमेंट चेंज करने के बाद, तो अब इसकी फिर मेम्ब्रेन के लिए तो मेम्ब्रेन चोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये जब जो मेम्ब्रेन पे लगा उसके ये बात इसमें ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन, और जब इसकी फिर ये ना मेम्ब्रेन की सर्विसिंग करने के लिए जो एफ आर को रिमूव करके इसको निकाल देंगे, एफ आर को रिमूव करके निकाल देंगे यहाँ से निकाल देंगे पानी निकाल देंगे कैसे इसको अंदर रिमूव करके ना। और हम सर क्या चाहिए
ठीक है, एल्बो एल्बो है, ये भी एल्बो है मेरा। तो इसमें हमने भी क्या किया कि जो एफ आर है वो रिमूव कर दिया है, ये एफ आर मेरे हाथ में। अब ये भी चेक करते हैं हम इसका जो वेस्ट वाटर है, ये दिस इज द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर प्योर वेस्ट वाटर के रूप में निकल रहा। अब इसमें देर इज नो प्योर वाटर, प्योर वाटर एक बूंद नहीं आएगा जब तक हम इसमें एफ आर कनेक्ट नहीं करेंगे। इस पर अभी हम एफ आर कनेक्ट कर देंगे तो प्योर वाटर भी है। इसकी देखिए ना कि जिसका फ्लो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पानी की जो क्वान्टिटी है सारी प्योर पानी इनपुट आउटपुट सेम हो गए थे ना। तो इसमें ये हम इसकी जो मेम्ब्रेन की सर्विसिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो बीच बीच में 8-10 दिन में एक बार सर्विसिंग करते हैं, मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाएगी इसमें। तो इसमें अभी फिर दोबारा इसको इसे निकाल के एफ आर लगा देते हैं ना, एफ आर जी ये इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का ध्यान रखो, डायरेक्शन इसके आउट आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड 50 की लगानी है। हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा ठीक है। अब इसके यहाँ से इसके आउटवर्ड में लगा देंगे तो ये एफ आर को प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी इसकी, बाहर की डायरेक्शन में इसका होना चाहिए। तो इसे हम चलाएँगे, अब देखिए इसमें अब प्योर वाटर भी आएगा। अब हमारे इसमें देखिए इसका जो जो फ्लो रेट है ना वो भी कम हो गया, पहले तो सारा पानी से बाहर निकल रहा था हमारा। और इसमें देखिए इसमें दिखाओ भाई, इसमें देखिए ऐसे कर दो कोई बात नहीं, फिर प्योर वाटर निकल रहा है हमारा, हर दिखाई दे रहा है ना इसका बत्ती के बाद इसकी बात। तो ये कोई बात नहीं होगा, दो दिन थोड़े बैंड हो गए बोलो आने दवाने ठीक 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 है ना। हाँ वो धीरे धीरे सफाई हो जाएगी ना, सारे जितने फिल्टर हैं ना हमारे इनकी सफाई भी नहीं हुई तो बहुत गलत तरीके से लगा रखे थे पहले, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है, इसका इंप्रूवमेंट हमारे फिटनेस भी इंप्रूव हो गया। और जो वेस्ट वाटर है देखो ना सफाई भी ना पूरा प्योर मिल्की मिल्की कलर का पानी था, मिल्की कलर का है तो क्लीन हो गया। तो इसमें एक वीडियो जो बनाएंगे उसके टी डेज इसका इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मैं फिलहाल टी डेज कितना है इसका अभी एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं, इसका टी डेज दोनों आउटपुट का भी चेक कर लेते हैं, इसका जो प्योर वाटर का टी डेज कितना है ये वाला, हाँ ये देखो कितना हो गया 41। तो सर इसमें ऑलरेडी ये मिक्स था एक बार आप दोबारा करिए इसे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये अगर सही डायरेक्शन में लगाए हैं इसका टी डी एस इंप्रूव हो गया वही 34 का ही है। हाँ ठीक है 34 से पहले तो बहुत 10 ही आ रहा था इसमें और पहले तो। तो इसमें देखिए इसमें देखिए वाइट वाइट सा कितना मिल्की मिल्की कलर है बिल्कुल है, जैसे इसमें जैसे क्लोरीन क्लोरीन बहुत ज़्यादा घुल जाती है ना पानी के अंदर, क्लोरीन बहुत ज़्यादा है ना, तो सारी सारी जितने भी केमिकल्स वगैरह सारे 508 टी डी एस का पानी 508 है ना इसका, तो इसके बहुत ज़्यादा डेंसिटी। तो इसी तरीके से हम सारे आर ओ वगैरह की सर्विसिंग करते हैं, कैसे नया बनाते हैं कैसे नहीं है क्या प्रोसीजर है सारा ये तरीका है जैसे भी है ना। फिर इसका जो टी डी एस कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे अभी 35 टी डी एस का आना था तो कम से कम 100 टी डी एस का पानी होना चाहिए, इसकी जो पी एच वैल्यू वगैरह हमारा सफिशेंट मिल जाती है, वैसे मिनरल्स वगैरह सफिशेंट मात्रा में मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत डीएमएस वाटर हो जाती है, मतलब बिल्कुल मिनरल बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर, हर साइड वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। तो आप आ सकते हैं एबीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आर ओ की पूरी आपको सभी तरह के आर ओ जितने भी अंडरसिंग आर ओ हैं कॉमर्स सभी हम सिखाते हैं बच्चों को, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और आज के लिए आज इतना ही बहुत है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।